लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित, जिनकी खूबसूरती और एक्टिंग का कायल कौन नहीं है, क्या देश क्या विदेश। लेकिन उसी दौर में एक शख्स ऐसा भी था जो माधुरी की फिल्मों और उनकी प्रसिद्धि से एकदम अनजान था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वह जिससे बात कर रहा है वह कितनी कामयाब है, जिसको चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं। इधर माधुरी भी ऐसे इंसान की सादगी से इतनी प्रभावित हुई कि उसे अपना दिल हार बैठी और फैसला ले लिया कि यही उनका जीवन साथी बनेगा। वो शख्स है बेहद हसमुख और शांत डॉक्टर श्री राम नैनी, जिनके साथ विवाह कर माधुरी आज एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। कैसे हुई उनकी मुलाकात और कैसे चढ़ी परवान उनकी मोहब्बत, आज हम जानेंगे इसी से जुड़ा किस्सा, जिसका जिक्र माधुरी और डॉक्टर श्रीराम ने एक इंटरव्यू में खुद किया था। नमस्कार दोस्तों, मैं मंजुला, आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। और आज की कड़ी में हम जिस प्रेम कहानी की बात कर रहे हैं, उसके नायक और नायिका हैं डॉक्टर श्रीराम नैनी और माधुरी दीक्षित। अमेरिकन नागरिकता प्राप्त भारतीय मूल के डॉक्टर श्री राम नैनी का जन्म लंदन में हुआ था। इनका पूरा नाम है श्री राम माधव नैनी। डॉक्टर नैनी की पढ़ाई अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से हुई थी और वह बतौर डॉक्टर अमेरिका में ही पोस्टेड थे। श्री राम नैनी से अपनी पहली मुलाकात के बारे में माधुरी ने बताया कि डॉक्टर श्री राम नैनी से उनकी पहली मुलाकात संयोग से उनके भाई के द्वारा दी गई एक पार्टी में हुई, जो कि लॉस एंजलिस में आयोजित हुई थी। इस पार्टी में माधुरी को उनके भाई ने ही डॉक्टर श्री राम से मिलवाया, जो कि वहां के नामी डॉक्टर्स में गिने जाते थे। दोस्तों, माधुरी को तब बहुत ताज्जुब हुआ जब उन्हें पता चला कि भारतीय मूल का होने के बावजूद डॉक्टर श्री राम उन्हें बिल्कुल भी नहीं पहचानते कि वह कौन है। श्री राम को उनके बारे में नहीं पता था कि वो एक अभिनेत्री हैं और हिंदी फिल्मों में काम करती हैं। यही बात माधुरी को बेहद पसंद आई थी, क्योंकि अभी तक माधुरी जिससे भी मिली थी वो माधुरी को एक अभिनेत्री के रूप में ही देखता था और वो उनकी प्रसिद्धि और फिल्मी जिंदगी के बारे में ही बात करता। माधुरी को अगर डॉक्टर श्री राम अच्छे लगे तो उन्हें भी माधुरी उतनी ही पसंद आई। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा तो एक दिन उन्होंने माधुरी से पूछा कि क्या वो उनके साथ पहाड़ों पर बाइक राइड के लिए चलेंगी। माधुरी के ना करने का तो कोई सवाल ही नहीं था। एक आर्टिस्ट को पहाड़ों जैसी सुंदर जगह देखने को मिले और वो भी ऐसी जगह जहां उन्हें कोई जानता पहचानता ना हो, क्योंकि अपने देश में किसी सेलिब्रिटी का इतनी आजादी और सुकून से घूमना इतना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीक है, पहाड़ भी हैं और बाइक भी है तो वो जरूर चलेंगी। हालांकि पहाड़ों पर जाने के बाद माधुरी को यह एहसास हुआ कि यह मुश्किलों भरा है। डॉक्टर श्री राम ने उनसे पूछा कि क्या वे पहाड़ों पर बाइक चलाना नहीं जानती हैं। माधुरी ने जवाब दिया, नहीं, वो यह नहीं कर सकती। ऐसे ही मिलते जुलते एक दूसरे को अच्छी तरह समझने के बाद एक दिन उन्हें ये लगने लगा कि अब वे दूर दूर नहीं रह सकते, उन्हें अब एक हो जाना चाहिए। फिर क्या था, घर वाले तो पहले से ही तैयार बैठे थे। इससे पहले कि ये बातें मीडिया में उठती, 17 अक्टूबर 1999 को माधुरी दीक्षित श्री राम नैनी के साथ शादी के बंधन में बंध गईं। इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में जब डॉक्टर नैनी से उनकी और माधुरी की पहली मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जब उन्होंने माधुरी के बारे में पहली बार सुना था तो उन्हें पता नहीं था कि वो कैसी होंगी। लेकिन बाद में उनके भाई से माधुरी के बारे में पता चला कि उनका स्वभाव किस प्रकार का है। उसके बाद उन्होंने माधुरी से मुलाकात की। दोस्तों, उस वक्त माधुरी को डॉक्टर नैनी से इस कदर मोहब्बत हो गई थी कि उन्होंने उस वक्त अपने करियर की भी कोई परवाह नहीं की और शादी का फैसला ले लिया। उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया कि जब अपने करियर के टॉप पोजीशन पे होने के बावजूद भी उन्होंने शादी का फैसला क्यों लिया, तो उनका जवाब था कि उस वक्त
वह प्यार में थी। कुछ वर्षों पहले माधुरी और डॉक्टर श्रीराम अपने दोनों बच्चों आर्यन नैने और रयान नैने के साथ भारत वापस आ गए हैं। माधुरी जहां कुछ चुनिंदा फिल्मों के साथ साथ टेलीविजन शोज में बतौर जज नजर आ जाती हैं, तो डॉक्टर नैने भी विभिन्न मंचों पर माधुरी का साथ देते दिखाई दे जाते हैं। उन्होंने भी अब भारत में ही रहकर अपनी चिकित्सा की सेवा देने का फैसला कर लिया है। नारद टीवी इनके सफल और सुखद जीवन के लिए ढेरों शुभकामनाएं देता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें नारद टीवी के साथ। साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।